हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। देखिए यहाँ पे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला गया है, आपको रेशियो निकालना है। इन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन स्टेटेड दैट फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ऑफ ए एंड बी वेयर पॉइंट ए इज -1 -5 एंड पॉइंट बी इज -4 -5। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन भी बना लिया है आपको इजीली समझने के लिए। पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट ए से 1 -5 है तो लगभग आपका इस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 -5। ठीक है, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा -4 -5। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये कार्टेशियन प्लेन और क्वाड्रेंट दिखाना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बना दिया हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये -4 -5 है, हमें ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा क्या, नेचुरली एक्स की कुछ वैल्यू होगी बट वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी बट वाई क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो यहाँ पे जीरो ही होगा। एक्स एक्सिस पे वाई और एड जीरो ही होता है, कहीं भी यहाँ भी, यहाँ भी एक्स की कुछ वैल्यू होगी बट वाई की वैल्यू नहीं है, और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा वाई की कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस का वो एक्स और जीरो होगा, वेयर एक्स इज समथिंग बट वाई इज जीरो। क्लियर, तो यहाँ पे जब ये पॉइंट हमें मिल गया तो ये वाई ऑर्डिनेट फिक्स हो गया कि वाई ऑर्डिनेट जीरो ही है। तो हम यहाँ पे रेशियो हमें निकालना है, लेट द रेशियो इज के रेशियो 1। क्लियर, तो ये आपका के हो गया और ये 1 हो गया, ये के हो गया और ये 1 हो गया। क्लियर, तो अब यहाँ पे वही चूंकि हमें यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू पता है, वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू पता है, तो वाई ऑर्डिनेट का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं MY2 + NY1 M+N। तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो हमें पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, m के प्लेस पे k है। Y2 क्या है, -5 है, -5 नोट करते हैं, n क्या है 1 है, और y1 क्या है 5 है by k+1। अब ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 0 × k+1 हो गया 0 और ये हो गया -5k + 5k। ठीक है, -5k + 5k हो गया, इसको हम अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो 5k = 5k हो गया, यहाँ पे k नहीं है, ओके, तो k = हो गया 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1, इसका मतलब जो रेशियो होगा वो 1 होगा, मतलब 1:1 होगा, तो यहाँ पे इसका ड्राइव रेशियो इज इक्वल टू 1:1। क्लियर, अब चूंकि k की वैल्यू 1 आई, 1 का मतलब क्या 1/1, तो 1:1। क्लियर है, तो ये हम रेशियो फाइंड कर लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, अब हमको कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y की 0 है ही, x की वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं, देन x इज इक्वल टू आंसर।